हेलो दोस्तों, ई डेरी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में ई डेरी आपके लिए लेकर आया है डेरी क्विज पार्ट 3। चलो शुरू करते हैं डेरी क्विज को। पहला क्वेश्चन है हमारा, द मेजर कंपोनेंट इन मिल्क इज प्रोटीन, वाटर, लैक्टोज, फैट। मिल्क में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है? इसका आंसर है वाटर। लगभग 80 से 90% के बीच दूध में पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंध रखती है? वाटर से, कॉटन से, राइस से या मिल्क से? इसका आंसर है मिल्क। ऑपरेशन फ्लड सन 1970 में स्टार्ट हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइंटिफिक नेम ऑफ बफलो इज। बफलो का साइंटिफिक नाम क्या है? इसके चार ऑप्शन हैं, बोस इंडिकस, बोस्टोरस, बुबेलस बुबेलिस, ओविज एरिस। इसका आंसर है बुबेलस बुबेलिस। बोस इंडिकस भारतीय गाय का साइंटिफिक नाम है और बोस्टोरस विदेशी गाय का साइंटिफिक नाम है और ओविज एरिस भेड़ का साइंटिफिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रीम सेपरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच फोर्स। क्रीम सेपरेटर कौन से फोर्स के प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इसके ऑप्शन है चार, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स। तो इसका आंसर है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। सेंट्रिफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ फोर्स लगता है जो कि मिल्क में से क्रीम को रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ कैनिंग इज। निकोलस अपर्ट, गेल बोर्डन, एंटोनियो लेविसियर, लुइस पाश्चर। इसका आंसर है निकोलस अपर्ट। निकोलस अपर्ट को कैनिंग का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। हर्बर्ट बोयर, वर्गीस कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, चार्ल्स डार्विन। इन चारों में से वाइट रेवोल्यूशन यानी सफेद क्रांति का जनक कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को वाइट रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमूल वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। अमूल कौन से सन में फाउंड की गई थी? 1946, 1947, 1948, 1950। इसका आंसर है 1946। अमूल का फाउंडेशन 14 दिसंबर 1946 को गुजरात के आनंद टाउन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेनली ड्रॉट ब्रीड ऑफ कैटल इज। गिर, साहिवाल, अमृत महल, कांकरेज। इनमें से मेन ड्रॉट ब्रीड कौन सी है? इसका आंसर है अमृत महल। दोस्तों, अमृत महल दूध देने के साथ साथ खेत जोतने के भी काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट इज रिमूव्ड मोर फ्रॉम मिल्क टू मेक स्किम मिल्क। स्किम मिल्क बनाने के लिए मिल्क में से कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिमूव किया जाता है, यानी ज़्यादा मात्रा में रिमूव किया जाता है? इसका आंसर है फैट। दोस्तों, डीफैटेड या बिना या ना के बराबर फैट वाले दूध को ही स्किम मिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट फॉर्म ऑफ मिल्क इज मेड बाय चर्निंग ऑफ व्हिपिंग क्रीम। व्हिप्ड क्रीम को चर्न करने से मिल्क का कौन सा प्रोडक्ट बनता है? इसके चार ऑप्शन हैं, क्रीम, घी, कर्ड, बटर। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो इसका आंसर है बटर। दोस्तों, बटर मशीन में क्रीम की चर्निंग करके उसे बटर में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज यूजली फोर्टिफाइड विद मिल्क। विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। इन चारों में से कौन सा यूजली मिल्क में फोर्टिफाइड किया जाता है, यानी ऐड किया जाता है? इसका आंसर है विटामिन डी, क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान मिल्क में से विटामिन डी लॉस हो जाता है, इसलिए विटामिन को दूध में ऐड किया जाता है, यानी फोर्टिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड कंदारी कैटल बिलोंग्स टू विच स्टेट। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। इन चारों में से रेड कंदारी कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू FSSAI, SNF इन स्किम मिल्क नॉट लेस देन 8.7%, नॉट मोर देन 8.7%, नॉट लेस देन 9%, नॉट मोर देन 9%। तो इसका आंसर है नॉट लेस देन 8.7%। दोस्तों, FSSAI एकमात्र इंडिया की ऐसी अथॉरिटी है
जो डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलस्ट्रम हैज़ ए हायर परसेंटेज ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स देन नॉर्मल मिल्क? प्रोटीन, विटामिन ए एंड एनर्जी, मिनरल, ये सभी, जैसे प्रोटीन, एनर्जी, मिनरल्स, विटामिन ए, इन सभी में से कौन से न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा होते हैं कोलस्ट्रम मिल्क में? इसका आंसर है प्रोटीन, एनर्जी, मिनरल्स, विटामिन ए। दोस्तों, कोलस्ट्रम मिल्क गाय या भैंस का पहला दूध होता है जिसमें प्रोटीन, एनर्जी, मिनरल्स और विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योगर्ट कल्चर कंटेंट्स लैक्टोबेसिलस बल्गारिकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, मिक्स्ड कल्चर ऑफ ए एंड बी, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, इन चारों में से योगर्ट का कल्चर कौन सा है? इसका आंसर है मिक्स्ड कल्चर ऑफ ए एंड बी। दोस्तों, योगर्ट बनाने के लिए लैक्टोबेसिलस बल्गारिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस दोनों स्टार्टर कल्चर को मिक्स करके इनोकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम कोगुलेटरी मिल्क प्रोडक्ट इज पनीर, दही, चीज़, छेना, इन चारों में से किस में एंजाइम यूज़ किया जाता है एज ए कोगुलेंट? इसका आंसर है चीज़। चीज़ बनाने के लिए मेनली रेनेट एंजाइम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन ए काफ इज स्विच्ड फ्रॉम मिल्क और मिल्क रिप्लेस टू वाटर एंड ड्राई फीड? यानी जब बछड़े को दूध की जगह पानी और सूखा खाना देना स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, कलिंग, ब्रीडिंग, विनिंग। तो इसका आंसर है विनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पार्ट ऑफ मेमरी ग्लैंड वेयर मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड? मेमरी ग्लैंड का वह पार्ट कौन सा है जहाँ मिल्क प्रोड्यूस होता है? इसके ऑप्शन हैं कैपलरी, टीट सिस्टर्न, चाइन, एल्वियोलस। इसका आंसर है एल्वियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओंगोल इज अ ब्रीड ऑफ काउ, बफलो, गोट, शिप, इनमें से ओंगोल किसकी ब्रीड है? इसका आंसर है काउ। ओंगोल काउ आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेटर क्वालिटी खोआ इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बफलो मिल्क, काउ मिल्क, शीप मिल्क, कैमल मिल्क? इसका आंसर है बफलो मिल्क। बफलो मिल्क से जो खोआ बनता है उसकी इल्ड ज़्यादा होती है और उसका स्मूथ टेक्सचर होता है, और बफलो मिल्क से खोआ बनाने से बर्निंग के दौरान जो लॉस होता है वो कम होता है। अगर हम काउ मिल्क से खोआ बनाएंगे तो उसमें ड्राई सरफेस आएगा और उसका स्टिकी और सैंडी टेक्सचर होगा। साथ ही में खोआ जो काउ मिल्क से बनेगा उसमें साल्टी टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट इज डेफिशिएंट इन मिल्क? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, इन चारों में से कौन सा एलिमेंट मिल्क में बहुत कम मात्रा में होता है? इसका आंसर है आयरन, जो कि मिल्क में 2 से 4 PPM के अराउंड होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको इन सभी में से कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था। और साथ ही अगर आपको डेली क्विज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें आगे डेयरी क्विज पार्ट 4 बनाने की मोटिवेशन मिले। साथ ही ई डेयरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दो।